नमस्कार। सोशल मीडिया आमको रखुची अपडेट, विश्वर कोण अनुकोण आखि पिछुलाके खबर हेउची वायरल। किंतु सोशल मीडिया रा खबर कुनी अनेक समय आपण मन में द्वंद्व आसुथ संदेह आसुथ क्यों खबर ठीक क्यों खबर भूल तार जांच आपण करिपरनुथबे आउ एथरे सहाय्य करिबा पई आमर खास कार्यक्रम खबर ठीक। तो आज एपिसोड रे आम से सब भाइराल खबर उपर परदा उठाइबा जो दावी करा जाउछि दुनिया सबुठारु महंगा चाह कपे चाहार दाम हजार टंका। विश्वसुंदरी ऐश्वर्या को चोराई नेला पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐश्वर्या को हमसकल। सोशल मीडिया को नहीं बड़ निष्पत्ति, आधार नंबर संजोग बाध्यतामूलक, नहले बंद हो जा अकाउंट। दक्षिण आफ्रिकार विरल शिवलिंग ठाब है 6000 वर्ष पुराणा शिवलिंग। आपण जेतेबेले कोनोसी चा स्टॉल को चा पीबा को जाउछंती सेतेबेले केते टंका देउछंती, 10 टंका, 20 टंका ना 50 टंका? 1000 टंका त केबे देनथिबे। आमे कोनोसी 5 स्टार होटल कथा कहू नाहु। सोशल मीडिया रे कुहा जायछि कि 1000 टंका रे गोटिए कप चा मिलुछे। एमिति कोन खास अछि 1000 टंका चाह रे आ केउठे बिक्री होउछे एते महंगा चा? कौन आपण 1000 टंका चा पी ना? ना आमे कौनसी चाहा पार्टी कथा कहुनु, ना आमे कहुछु कौनसी 5 स्टार होटल दामी चाहा कथा। आमे तो रास्ता कड़े बिक्री होतुबा सही चा कथा कहुछु जहाँ वर्तमान समय रे समस्तंक पई जरूरी होई जाइछि। किंतु कपे चाहा दुकान रे 10 टंका रे मिली जाउछे, बेसी हेले 20 टंका। ए 1000 टंका चाहा केउठी मिलुछे? मेसेज वायरल करा जायछि, चा पीवार शौक अछि कि? तबे कोलकाता रे चा आपण निहाति पीवा दरका, चार दाम मात्र 1000 टंका। ये मजा करुछंते कि 1000 टंका रे मात्र गोटिए कप चा? हजार टंका चारे कौन खास अच्छे जो एत टकर बिका जाऊ? जेहेतु वायरल मेसेज रे पश्चिमबंग राजधानी कोलकाता रा ना थिला, तेणु आम सेठार ही आम जांच आरंभ कलु। हजार टंका चा दुकान को खोजु खोजु आम पहुंची गलु कोलकाता रा मुकुंदपुर रे। ए चाह दुकान आमको सेठारे मिलीगला, तेबे कोन सतरे चाह दुकान रे कपे चाह को 1000 टंका निया जाउछि? सोशल मीडिया पर एक खबर लगातार वायरल हो रही थी कि कोलकाता के मुकुंदपुर में एक ऐसा टी स्टॉल है जहां पर एक कप चाय 1000 रुपए का बिकता है, और हम सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी टी स्टॉल पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही टी स्टॉल है, मुकुंदपुर कोलकाता का ये टी स्टॉल है, और मेरे साथ यहाँ पर टी स्टॉल के मालिक यानी जो 1000 रुपए में एक कप चाय बेच रहे हैं वो सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए कई वैरायटीज के यहाँ पर चाय पत्तियां रखी गई हैं, तकरीबन इनके दुकान में 100 वैरायटीज की चाय पत्तियां हैं। हेले सही 1000 टंका चाह क्यों उठी अच्छे? एमिति नुहे कि कोलकाता रे चाह दुकान रे केवल 1000 टंका चाह बिक्री हेउछे। पार्थ प्रीतम गांगुली स्ट्री स्टॉल रे 115 प्रकार चाह मिलुछे, जेउंथरे पाखापाखि 65 प्रकार भारतीय चाह रही, बाकी सब विदेशी चाह मिलुछे। कप पिछा चाहर दाम 10 टंकार आरंभ होई 1000 टंका पर्यंत रही, किंतु जे रूपाभली देखा जाउथुबा धळा चाह कथा कुहा जाउछि तहा जापान रु आसीछि, जहार दाम किलो प्रति 3 लाख टंका। ये जो चाय है बेल आया था आपका जापान से, इसलिए इसका कीमत हमारे यहाँ पे भी होता है। 2018-19 में हुआ था मेरा, हम लोगों को दार्जिलिंग में, जिसका कीमत 1,80,000 रुपया था, और मैंने मेरा जो है वो मैं जापान से लाया था, वो 2,90,000 प्लस ऐसे कुछ आया था उसका केजी।
वही 3 लाख रुपया जो न्यूज़ में आ गया, आप लोग भी बोल रहे हो कि वही 3 लाख का दाम है उसी चाय का, वही मैं बना के पिलाती हूँ जो 1000 रुपया कप है। तेबे कौन 10 रु 20 टंकरे चाहा पीउथुबा लोके 1000 टंकिया चाहा पीबा को आसुछंते? कम आते हैं लेकिन आते हैं, आते तो जरूर है। बहुत सारे लोग ये अपना जो क्वेरीज है वही मिटाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी ये चाय पीने के लिए, ये चाय के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आते हैं। जितेबले डाक्टर माने ए चाह पीबा को आसुचंती तबे सिल्वर नीडल व्हाइट टी रा किछि भलो गुण थिबो निश्चय। आमे हा संपर्क रे मध्य जांच कलो आ आमे जानिबा को पाइलो के चाह को सबुठरु अल्प प्रतिक्रियाकरण करा जाई थाए, जहा सुमधुर स्वाद ओ बासना देई थाए। एंटी बैक्टीरियल गुण ढेर भरपूर रही छि, या कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर कम करिबे सहायक हुए। ए सफा चाह रे ग्रीन टी तुलना रे बहुत अल्प कैफीन थाए। इते सबु फायदा कारण रु या दुनिया रो सबुठारु महंगा चा साबस्त होईछि। सिल्वर नीडल व्हाइट टी को एक स्वतंत्र शैली रे रूपा प्रलेप दे प्रस्तुत करा जाए, जहां सुखिला परे सफा देखा जाए, जेउथरु ए धळा चाहा प्रस्तुत करा जाए। एमितरे एभळी चाहा दुनिया रे अनेक स्थान रे मिली जाए, किंतु सिल्वर नीडल व्हाइट टी सबुठारु अधिक उपयोगी। एथरु जना पड़ी गला जदि आपण मध्य ए चाहा पीबा को चाहुछंती तबे कोलकाता जिबा को हेबो, जेउथि पई आपण को 1000 टंका देबा को पड़िबो। न्यूज 18 रो जांच रे 1000 टंका चाहा खबर ठीक प्रमाणित हेला। पाकिस्तान सबुबले भारत सहित समकक्ष हेबाक चेष्टा करिथाय, सीमा को नै हो किमा भारत विरोधी देशक सहित मित्रता करी, किंतु सबुथर पाकिस्तान को निराश हेबाक ही पड़िछे। एथर पाकिस्तान जो जिनिष को बराबर करिबाक चेष्टा करिछि ताहा केही भाबी पारिबे नाही, कारण एथर भारतर सुंदरी को कॉपी करिबाक चेष्टा करिछि पाकिस्तान। नंबर 1 सुंदरी को कॉपी करिबाक चेष्टा करिछि। भारतर लक्ष लक्ष फैन का धड़कन ऐश्वर्या राय बच्चन का सुंदरता को चैलेंज करिछंती पाकिस्तान रा जने झियो। किछे एमिति होइनी त ऐश्वर्या का फोटो को ही वायरल करी मजाक करा जाउछे। प्रकृत रे खबर रा सत कोन? जो आंखें के देती है उनके आगे लफ्जों का दर्शक है। सुंदर हस सांग को नीलो आखी और गोरा रंग आश्चर्य जेतेबेले आपण जानिबे को पाइबे कि ऐश्वर्या राय को पाकिस्तानी निजर बोली कहिबे। आपण नाराज हेबे, राग भी लागिबो, यहा केमिति संभव? आबो निजर ऐश्वर्या राय यामो को देवदास बनाई देले, एकुटिया करि देले, तांकर सुंदरतारे आमे दीवाना होइगलु। टिके निरीखि देखिबे तेबे सबु मेसेज रे ऐश्वर्यांक फिल्म रो नाही अछि। चिंतार कथा सेतेबेले हेला जेतेबेले ऐश्वर्या रायंक वीडियो भारत अपेक्षा पाकिस्तान रे बेसी वायरल हेला। सेना सहित आमना सामना करथुबा पाकिस्तान शेषरे ऐश्वर्या राय को चुराई नेला। यहा पछरे राज कौन? हठात कौन से वीडियो फोटो को देखिले यहा ही लागुछि कि ये ऐश्वर्या राय ही। ऐश्वर्या राय को भली सुंदर हेबार स्वप्न सबु झियो देखंती,
सबु झी इच्छा करती ऐश्वर्या भि आखि पाइबा कि ऐश्वर्या तुलना टी अलग लगुच प्रश्न उठु पाकिस्तान ऐश्वर्या राय भाई देखा जा झील अच्छी कि एमती नुहे तो पाकिस्तान रही झील प्लास्टिक सर्जरी करी ऐश्वर्या फोटो को ही वायरल करा जाए एमती मिछ दाबी करा जा हमें वायरल होता फोटो एवं वीडियो को नहीं जांच आरंभ कलु एवं जानवाक चाहलु कौन सतरे पाकिस्तान रे मध्य ऐश्वर्या भली सुंदरी अच्छा टिके ध्यान सह देखला आम को सोशल मीडिया रे एक ना मिलगला जांच समय आमको ये फोटो सहित इंस्टाग्राम रे एक प्रोफाइल मिलला जे थे स्पष्ट भाव में लिखा जाइए ऐश्वर्या राय हमसकल बा नकल जे पाकिस्तान रे ही रुहे जांच समय आहुरी मध्य जानिबा को पाइलो कि फोटो एवं वीडियो सहित ऐश्वर्या राय भली देखा जाउथुबा झियर ना आमना इमरान जे कि पाकिस्तान रा जने सोशल मीडिया ब्लॉगर आमना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे ऐश्वर्या राय को गीत और डायलॉग जोड़ा पड़ो ट्विटर और इंस्टाग्राम को पान कार्ड सहित जोड़ा पड़ो ता पुणी तीन मास भितर यह आम एपाई कहूँ कि सोशल मीडिया रे दाबी करा दाउछे जदि आपण एहा न करुछंती तेबे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट आउ चालिबो नाही नुआ अकाउंट पाई मध्य एहा जरूरी होई पड़िबो कौन फेसबुक सहित आधार नंबर जोड़ा पड़िबो ए खबर ठीक तो सोशल मीडिया अकाउंट तो एबे लोकंक पाई जरूरी होई गलाणी कहाकू निजरा नुआ लुक देखैबा पाई हेउ किंबा आउ कहाकू प्रस्तुत करथिबा नियारा खाद्य को नहीं प्रशंसा साउंडिबा पाई हेउ हे दौड़े तो सोशल मीडिया अधिक जरूरी होई गलाणी कारण आमे एबे आम संग साथी संपर्कक सहित सेते मिसि पारुना हे जेमिति कोरोना आगुरु मिसुथिले किंतु एबे एक नुआ झामला नहीं प्रस्तुत होई जानतो दाबी करा जाउछि कि एबे आपणक सोशल मीडिया अकाउंट को जांच करबा को पड़िबो एथिपई आपणक सरकारी परिचय पत्र संजोग करबा को पड़िबो तेबे कोन फेसबुक अकाउंट चलेबा पई एबे आधार कार्ड दरकार पड़िबो सरकारी परिचय पत्र न देले तीन मास भितरे आपणक फेसबुक अकाउंट बंद होई जिवो वायरल मेसेज रे कुहा जाय छे सबु सोशल मीडिया अकाउंट को तीन मास मध्यरे मोबाइल फोन द्वारा सरकारी परिचय पत्र जरिया रे जांच करबा को पड़िबो एबे इंटरनेट अधिक सुरक्षित दायित्वान हेबो सोशल मीडिया रे आम अधिकार रो सुरक्षा पई सरकार इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 जारी करिसेंते भारत सरकार एबे सबु योजना को आधार कार्ड सह जोड़ीबा को चाहुछंते ताहा बोली कोन फेसबुक ट्विटर एवं इंस्टाग्राम अकाउंट भली सोशल मीडिया पई आधार कार्ड संजोग करबा को निर्देशावली आसीछि एई कथा सहजर विश्वास करि हेउनि फेसबुक रे आधार संजोग खबर सोशल मीडिया रे वायरल हेबार लागिछे एठी प्रश्न उठुछे कोन फेसबुक अकाउंट को बलवत्तर रखिबा पई आधार कार्ड संजोग करबा को पड़िबो सरकारी परिचय पत्र संजोग नकले सोशल मीडिया अकाउंट कोन बंद होई जिवो सोशल मीडिया सह परिचय पत्र संजोग करबा पछरे उद्देश्य कोन केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट को लेकर नए गाइडलाइन जारी किए इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसके मुताबिक नए गाइडलाइंस के तहत सरकारी आईडी से तमाम सोशल अकाउंट्स को सत्यापित कराना होगा आखिर इसकी सच्चाई क्या है हमने इसकी पड़ताल शुरू की जान समरे भारत सरकार का फ्रेश इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एक ट्वीट मिलला जेउथरे स्पष्ट भाव रे लिखा जाय थिला कि सोशल मीडिया रा जांच जरूरी नाही ए ट्वीट सहित भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय रा फ्रेश ट्वीट मध्य रही छे एथरे मध्य सही गोटिए कथा कहा जाय छे 24 फेब्रुवारी 2021 रे भारत सरकार डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 लागू करी छंती नियम मुताबिक जदि केही सोशल मीडिया को दुरुपयोग करती तेरे निर्दिष्ट मीडिया यार उत्तरदायी रहिबो आउ एथिपई जदि केही निज सोशल मीडिया अकाउंट को जांच करबा को चाहिबो तेबे ताकु निर्दिष्ट सुविधा मध्य मिलिबो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर फेब्रुवारी 25 रे एक सांबादिक सम्मेलन रे डिजिटल मीडिया रा नुआ घोषणा संपर्क रे कहिथिले एथरे से स्पष्ट करिथिले कि
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रो जांच करिबा दरकार। सोशल मीडिया खुद ये काम करें और उनके यूजर से करवाएं। हम सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, इसीलिए एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना वो भारत से ट्वीट हो रहा है, रिट्वीट हो रहा है, विदेश से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। किंतु यहाँ नुहे जे यही जांच सरकार करिबे। न्यूज 18 सहित कथा हुई रविशंकर प्रसाद कहिछंती कि जांच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निजे करिबो, बरम सरकार नुहंते। अगर आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं तो जनाब आप बताएं तो आप हैं कौन, हमें नहीं बताएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताएं। एंड देयरफॉर दिस वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली। इतरु स्पष्ट हो गला कि डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को नहीं भूल खबर प्रसारित करा दे छि। न्यूज 18 रो जांच रे वायरल खबर भूल प्रमाणित हैला। एबे समय होछ आवे का ब्रेक रो, ब्रेक पर जानिबा आवे का वायरल खबर पत्र सत जेंथ दाबी करा जाउ छि। दक्षिण आफ्रिका रे विरल शिवलिंग ठाबो हैला 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग। कौन भगवान शिव भारत ठारू पाखापाखी 8000 किलोमीटर दूर से अवस्थान करिबा आरंभ करिछंती। आमे एहा एथिपई कहुछु कारण सोशल मीडिया रे किछि फोटो वायरल होइछे जहाकुनी दाबी करा जाउछि कि एहा 6000 वर्ष पुराना एक शिवलिंग जहा दक्षिण आफ्रिका रु मिलिछे। एहा एमिति सेमिति नुहे ग्रानाइट रे शिवलिंग, लोके एहार दर्शन मध्य करुछंती। तेबे कौन सतरे दक्षिण आफ्रिका रे हजार हजार वर्ष तलर शिवलिंग मिलिछे, ए खबर ठीक त? ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ବିଶାଳ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ସତେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଉଛି। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଚମକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭାରତର ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି କି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାରତରୁ ପାଖାପାଖି 8000 ଦୂରରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଛି। ଏହା ଏମିତି ସେମିତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ତଥା 6000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଭାଇରାଲ ମେସେଜରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସୁଦୱାଲା ଗୁମ୍ଫାରେ 6000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶିବଲିଙ୍ଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ। ଏତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜୟ ଶିବଶଙ୍କର ଶମ୍ଭୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହା ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଦାବି କରାଯାଉଛି କି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାରତ ଠାରୁ 8250 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସୁଦୱାଲା ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି। ତେବେ କଣ ସତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ 6000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏତେ ପୁରୁଣା ବୋଲି କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଭାରତର ଲୋକେ କଣ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ମିଛ ଖବରକୁ ସତ କହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେହି ଗୁଜବ କରିନାହିଁ ତ? ଭାଇରାଲ ମେସେଜରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସୁଦୱାଲା ଗୁମ୍ଫା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୁଦୱାଲା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହି ନାଁରେ କୌଣସି ଗୁମ୍ଫା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଞ୍ଚ ଆଗକୁ ନେଲୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସୁଦୱାଲା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମିଳିଗଲା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆକୃତିର ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କଲୁ। ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ସୁଦୱାଲାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଏହି ଫଟୋ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହା କୌଣସି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଯାଞ୍ଚ ତଥ୍ୟକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ସୁଦୱାଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ମେଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୁଦୱାଲାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବା କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ।
यहाँ आम जानवाक पाइलू कि भाइराल फोटो शिवलिंग ना दक्षिण आफ्रिकार उम्पुम लांगा राज्य में अच्छी सुद्वाला गुंफा दावी करा कि गुंफा कोटी कोटी वर्ष पुणा दुनिया सबुठ पुणा गुंफा मध्य गोटे गुंफार आमको कौन शिवलिंग मिललानी एक गुंफा दक्षिण आफ्रिकार प्रमुख पर्यटन स्थल गोटे एठा को जीवापाई टिकेट करने को पड़ी था सुदवाला गुंफारे शिवलिंग तो नहीं किंतु यहाँ 36 किलोमीटर दूर थिबा एक स्थान शिवलिंग रही जोठी लोके पूजार्चना करती भारतीय मैंने पर्वपर्वाणी में पूजा मध्य करती किंतु सुदवाला गुंफारे शिवलिंग भली किसी भी नहीं न्यूज 18 रो जांच रे दक्षिण आफ्रिका रे शिवलिंग को नहीं होइथिबा वायरल खबर भूल प्रमाणित हैला। सोशल मीडिया रे रातारात वायरल होतबा खबर रो गहळी भितरे आपण द्विथारे पड़ जाई पारंती चटापट अपडेट होतबा खबर भितरे ठीक भूल रो निष्पत्ति नेबारे आपणकु मध्य असुविधा हेउथिबो एमिति स्थिति रे बुझी सुझी कोनोसी वायरल मेसेज को फॉरवर्ड करंतु किबा शेयर करंतु कारण भूल खबर शेयर करबा आईटी एक्ट अनुसारी एक दंडनीय अपराध समय सरी कार्यक्रम को यठ रखुचु नमस्कार। न्यूज रो सहप्राइम क्रो व्यूअर्स इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क न्यूज।